उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार LOC पार कर POK में जाकर आतंकियों के 6 कैंपों को तहस नहस कर दिया। हालांकि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक था और वो इसका बदला लेने की धमकी तक दे चुका है, लेकिन भारत पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से बाखबर है और इससे निपटने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब में सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर तक गांव खाली कराने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने कश्मीर, पंजाब, गुजरात में सीमा से सटे गांवों को खाली कराने की एडवाइजरी राज्य सरकारों को जारी की है। राज्य सरकारों ने भी इस पर फौरन कार्रवाई करते हुए लोगों को इन इलाकों से हटाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के LOC के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक वाघा बॉर्डर पर आज शाम को होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को भी रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट के बाद पठानकोट के सिविल अस्पताल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी वार्ड को भी खाली कराया जा रहा है। डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर 6 आतंकी कैंपों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। DGMO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है और बदला लेने की धमकी दी है।